नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 15 जबरदस्त प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको पियाजे के सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बातें होगी और इससे जुड़े 15 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं सीटेट 2019 के लिए यह प्रश्न जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। प्रत्येक वर्ष दोस्तों, आप जब भी एग्ज़ाम हुआ हो सीटेट का या कोई भी स्टेट का टीचर से संबंधित एग्ज़ाम हुआ हो, जरूर पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछना ही पूछना है। निश्चित रूप से इससे 3 या 4 प्रश्न, इससे मिलता जुलता प्रश्न जरूर रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। प्रश्न है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। जो ज्ञानात्मक विकास होता है दोस्तों, ये नकल पर आधारित नहीं होता है। यदि आप नकल करके अपना ज्ञानात्मक विकास करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको खोज पर डिपेंड होना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। यह कथन किसका है? जिन पियाजे का, कोहलबर्ग का, स्किनर का, वाइगोत्स्की का। तो दोस्तों, यह जो कथन है जिन पियाजे का है। यदि हम जिन पियाजे के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, जिन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन पियाजे कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों को ध्यान में रख करके उनका मानसिक विकास किस तरह से होता है, बच्चे कैसे क्रिया करते हैं, बच्चों का सीखने का जो प्रक्रिया होता है किस तरह से होता है, वे किस तरह से अपने सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, इन सब बातों के लिए अपने घर के बच्चों पर बारीकी से अध्ययन किया था। जिन पियाजे ने अपने घर के बच्चों पर बारीकी से अध्ययन किया और इन्होंने सिद्धांत दिया जो सबसे पॉपुलर हुआ, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए दूसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न है पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है? वस्तुओं की पहचान करना कब शुरू करता है और दो वस्तुओं के बीच वर्गीकरण करना, विभेद करना, अंतर करना कब ये करने के लिए शुरू करता है? हम सभी जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को बताया है। यहाँ पर 4 चरण का नाम दिया हुआ है। इसमें से आपको वह चरण, वह अवस्था निकालना है जिस समय बच्चे वस्तुओं की पहचान करने लगता है और वस्तुओं के बीच अंतर, विभेद करने लगता है। पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर ये होगा, इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वस्तुओं की पहचान करने लगते हैं और वस्तुओं के बीच अंतर करने लगते हैं। इस अवस्था की बात करें तो यह अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के आयु तक रहता है। 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के आयु का रहता है। और इस अवस्था का जो सबसे एक और बड़ा लक्षण है वह है, यहाँ पर भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है।
भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही भाषा का विकास प्रारंभ होता है, बच्चे अपने भाषा का विकास करने लगते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर जो है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, खोज, निर्माण। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में, एक पहले से कोई विचार है, इन विचारों में नए विचारों का समावेशन, नए विचारों का समावेश हो जाना क्या कहलाता है? तो इसको हम सात्मीकरण कहते हैं। यदि सात्मीकरण का और हम अधिक डिटेल बात करें तो सात्मीकरण का अर्थ होता है कि बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। पियाजे के अनुसार यह एक प्रत्याक्षमत ज्ञात्मक समन्वय होता है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना, अपने विचारों के अनुसार नए विचारों से फिट करना होता है। ये दोनों अलग चीज़ हैं, व्यवस्थापन अलग चीज़ है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर लिखा संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव, तो दोस्तों जो 6 वर्ष का आयु होता है, इस यानी 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों में, इससे छोटे बच्चों में, यहाँ तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। ये जिन पियाजे ने बताया था। 5वां प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जिन पियाजे के द्वारा दिया गया है, और एक यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण एवं खोज का सिद्धांत है। निर्माण एवं खोज सिद्धांत कहता है, जो जिन पियाजे ने बताया है, कि बच्चों का ज्ञानात्मक विकास नकल से नहीं हो सकता है, इसके लिए निर्माण और खोज करना पड़ेगा, नए विचार, नए निर्माण करने होंगे। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक उदाहरण से हम बताते हैं। कोई 4 साल का बालक है, एक 4 वर्ष का बालक है, उसके पास बहुत सारे कप हैं, छोटे बड़े कप हैं। अब वो क्या करता है, खेलने के दृष्टिकोण से वह सबसे पहले छोटा कप रखता है, उसके बाद बड़ा कप रखता है, उसके बाद उससे बड़ा कप रखता है, उसके बाद उससे बड़ा कप रखता है, उसके बाद उससे बड़ा कप रखता है। तो यहाँ पर उसने आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा को व्यवस्थित करने सीख गया। छोटा से बड़ा एक किस क्रम में रखा जाए, यह खोज करने के लिए सीख गया। तो यही हुआ निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, और यह सिद्धांत जिन पियाजे के द्वारा दिया गया था। 6वां देखें, पियाजे के अनुसार खाली स्थान है, वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, जस्ट इसके ऊपर वाला प्रश्न है। तो इसके पहले हम लोग देख चुके थे इसी तरह के प्रश्न, ये 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। अब देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है, सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? सामीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता।
वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसका राइट आंसर अनुकूलन होगा। आगे पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा हम कुछ जानकारी दे दें कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी आधी अधूरी है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों 1 जून से मैं सीटेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 जून से सीटेट का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। जो आपकी तैयारी आधी अधूरी है, नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगा। देखिए दोस्तों CDP, यदि आप CDP को बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे तो यह CDP आपको 70 से 75 मार्क्स दे सकता है। CDP से हम लोग जानते हैं कि 30 मार्क्स आता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हिंदी का पेडागोजी होता है, गणित का पेडागोजी होता है, EBS का पेडागोजी होता है। ये सभी पेडागोजी आपका CDP से संबंधित होता है। यदि आप CDP को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिए तो आपका हिंदी का पेडागोजी समझने के लिए, गणित का पेडागोजी समझने के लिए, EBS का पेडागोजी समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप चुटकी में इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका CDP फुल जितने भी टॉपिक हैं 1-to-1 करके आपको समझाया जाएगा। यहाँ पर मैथ, सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं मैथ से। मैथ और सटीक भी होता है। मैथ आपका यहाँ पर मैथ का जो आंसर होता है सटीक होता है, इसलिए ये ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स देता है, ये ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। इसलिए CDP और मैथ पर विशेष फोकस रहेगा। इसके लिए आपको 2 लाइव क्लास मिलेंगे। एक पहली लाइव क्लास 8 बजे रात को स्टार्ट होगी और दूसरी लाइव क्लास 9:30 बजे रात में स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसके साथ में हिंदी और EBS की तैयारी के लिए आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसकी फी मात्र 200 रुपये है दोस्तों। यदि आप केवल प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे तो उसी का दाम 200 रुपये, 250 रुपये लग जाएंगे और आपको इतने सारे चीज मात्र 200 रुपये में मिल रहा है। यदि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, समय कम है, इस कम समय में हम आपको बताएंगे किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसको क्लियर कर लीजिए। यदि आप एक पॉइंट को क्लियर करते हैं तो आपका 2-3 पॉइंट एक से ही क्लियर हो जाएगा, वैसे वैसे टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए यदि आप मेरा क्रैश कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स लिख करके मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप फी कैसे जमा करेंगे इसके बारे में मैं पूरा डिटेल दूंगा। 1 जून से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। तो इसके पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप क्रैश कोर्स लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? ये हम सब लोगों ने देख लिया, जिन पियाजे ने दिया था। पियाजे कौन थे? खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे। हम लोगों ने देखा पियाजे मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इंद्रजीत जनित गामक अवस्था होती है, ये इसकी अवस्था कब से कब होती है? जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, यहाँ 27 गलती लिखा गया है, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक, कब होता है? तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जो जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताया है, इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहला अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था होती है, जिसकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, ये इसका जो आयु होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदी गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वह वीडियो आप ज़रूर देख लें और फिर जब 1 जून से मेरा ये स्टार्ट होगा क्रैश कोर्स, वहाँ पर मैं इसको फिर से बताऊँगा, यदि वो वीडियो आप नहीं खोज पा रहे होंगे तो। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से,
हम सभी जानते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। यहाँ पर बच्चे वस्तुओं को पहचानने शुरू कर देते हैं और वस्तुओं के बीच विभेद भी करने शुरू कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? जिन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, वारेंस कोहलबर्ग ने, किम्बल अंग ने। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, इसने दिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया और इसको 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहले भाग को बोला पूर्व नैतिक स्तर, दूसरे भाग को बोला परंपरागत नैतिक स्तर, और तीसरे भाग को बोला उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, इसका जो समय माना 4 से लेकर 10 वर्ष तक, इसका जो समय माना 10 से लेकर 13 वर्ष तक, और इसका जो समय माना 13 वर्ष से लेकर ऊपर। अब इसको फिर से 2 चरण में बांटा, इनको फिर से 2 चरण में बांटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था और इसने इस सिद्धांत को 3 भागों में बांटा, जिसका नाम रखा पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। जो पूर्व नैतिक स्तर रखा, इसका जो आयु वर्ग रखा 4 से 10 वर्ष, ये 10 से 13 वर्ष और 13 वर्ष से ऊपर। फिर इसको सभी को 2-2 चरणों में विभक्त किया है, 2-2 चरणों में, यानी कुल टोटल कितने चरण हो गए? 6 चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत को 6 चरणों में बांटा है, लेकिन यदि हम भाग की बात करें तो 3 भाग और 6 चरण में बांटा है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर, ये देखिए, परंपरागत नैतिक स्तर का काल है क्या है? 10 से 13 वर्ष तक, ये आपका आंसर हो गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, किशोरावस्था में साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं बच्चे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? सामाजिक विकास का सिद्धांत याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? ध्यान दीजिए, कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, और जिन पियाजे ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिन पियाजे ने दिया है नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत, कोहलबर्ग ने दिया है, और सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आपको हार्ड लग रहा है, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं 2 तरह से वीडियो बनाऊँगा, सबसे पहले आपके अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए, उसके बाद इससे रिलेटेड MCQ आपको दूंगा। इसके पहले मैं इसके अवधारणाओं को क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए यहां पर मैं
15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया। इसके बाद फिर से मैं इन अवधारणाओं से, इन सिद्धांतों से संबंधित नेक्स्ट 15 क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताएं यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पर ज़्यादा आएगा नाम उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बना के देंगे। साथ ही यदि आप हमारे नए चैनल मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा के रखें ताकि आपकी सीटेट की तैयारी पूरी हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।